सत श्री अकाल दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं हाज़िर हूँ बैंजो का दूसरा वीडियो लेकर। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे जी, मैंने जो पैच सेलेक्ट किया हुआ है फ़िलहाल तो मैंने यूज़र में इसको सेव किया हुआ है, लेकिन आपने प्रीसेट टोन में से जैज़ गिटार 2 गिटार ऑब्लिक बास सेक्शन है ये, तो इसमें से आपने ये पैच सेलेक्ट करने लेना है परफॉर्म एडिट में जाके। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने जो इसी में सेटिंग्स करनी है वो क्या है, मैंने इसका लेवल 80 रख दिया है, तो RX सेक्शन 2 रख दिया है। आप इसको 1 में भी रख सकते हो, लेकिन मेरे पास 1 में कोई और नंबर पहले पड़ा था तो मैंने उसको म्यूट कर दिया है। तो इसका MFX 2 रखा है जी मैंने, 100 127 127, तो ऑक्टेव वगैरह कुछ चेंज नहीं किया, मोनो रखा हुआ है इसको। तो मेरा कीज़ की रेंज G3 से G9 तक है। डिसेंस -6 रख दिया है इसका, कट ऑफ -11 है, तो +14 इसका डिसेंस है। अटैक +4 कर दो इसका जी, डीके +20, रिलीज +40 कर दीजिए, +5 रेट, +15 इसका डेप्थ है, और +20 इसका मैंने डिले रखा है जी। तो इसी तरह आपने एक और सेलेक्ट कर लेना है जी, ये Clavi 3 है जी, ये ऑर्गन और कीबोर्ड सेक्शन में है Clavi 3, ये आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने, मैंने इसको यूज़र में सेव कर लिया है, इसकी सेटिंग्स क्या है, इसका भी लेवल 80 रखा हुआ है, तो MFX 1 रखा है मैंने, 190 127, मोनो, तो G3 से G9 रखा है, इसका कुछ भी नहीं चेंज किया है। यहाँ कट ऑफ में इसको 0 रखा है, रिसेंस इसका +26 कर दिया है, अटैक इसका +4 कर दिया है, +20 इसका डीके, और +40 ही इसका मैंने रिलीज रखा है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ तो हो गया जी आपका ये सेक्शन ख़त्म। अभी आप, मैं आपको पैच नंबर 2 पे, क्योंकि हमने जैज़ गिटार रखा है तो हम पहले जैज़ गिटार का ही पैच एडिट करेंगे। कॉमन सेक्शन में जी मैंने इसको, ये आप देख रहे हो जैसे इलेक्ट्रिक गिटार का ये पैच है, तो 120 इसका रख दिया है पैच लेवल, लाउडेस्ट रख दिया। उसके बाद चेस्ट ट्यून डेप्थ मैंने 2 कर दिया है इसका, मोनो पे रखो जी आप इसको, लिगेटोरी ट्रिगर ऑन कर दो बस, और कोई चेंजेस नहीं है। तो वेव में काफ़ी मेजर चेंजेस हैं जी, क्योंकि आपको जैज़ गिटार के पैच में 1 2 3 ये सेक्शन टिक मिल जाएंगे, लेकिन 4th नहीं मिलेगा आपको, इसको टिक कर देना है ताकि ये पूरी टोन बन सके 4 सेक्शन को मिला के। तो पहले में आपने 315 रख देना है, फिर 156, फिर 155 और 316 रख देना है। तो ऐसे ही आपने वेव नंबर, मतलब वेव नंबर लेफ्ट मोनो, वेव नंबर राइट, तो इसमें 314, 155, 171, 313 ये रख देना है जी। तो TMT में भी आपने इसको टिक करवा देना है 4 नंबर को। तो पिच में आपने जो सेटिंग्स रखनी है वो मैं बता रहा हूँ जी, टोन कोर्स ट्यून का है आपका +6, इसका कुछ नहीं है, 3 का आपको रखना है -4। तो नीचे आ जाइए जी, इसको चारों सेक्शन को +100 कर दीजिए, पिच बैंड रेंज अब +2 और डाउन जो है -2 रख दीजिए। तो पिच एनवेल्प में आ जाइए जी आप, तो 4 नंबर को फिर टिक करवाना पड़ेगा आपको, लेकिन Part 1 में आपको +12 रखना है और Part 3 में आपको +4 रखना है। नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पे जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं वो लास्ट सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 4। यहाँ पे आपको पिच एनवेल्प टाइम 40 रखना है, पिच एनवेल्प टाइम 2 में 80 रखना है, पिच एनवेल्प टाइम 3 में आपको फिर 40 रखना है, लास्ट में कुछ नहीं है जी। और पिच एनवेल्प लेवल ये +63 63 चारों सेक्शन में आप कर दो। तो ये बाकी सेक्शन में हुआ था, लेकिन जो 4th सेक्शन है जो टिक किया हुआ है उसमें नहीं था ये, आप मैंने +63 +63 कर दिया है, लास्ट में भी ऐसा ही। तो अभी इसका TVF में आ गए हैं जी, तो
इस फोर्थ सेक्शन को मैंने फिर से टिक करवा दिया जी इसमें जाके। तो इसके जो फिल्टर टाइप हैं सभी LPF हैं, तो लास्ट में 75 फिर ऐड कर दिया था, तो इसमें भी प्लस 40 किया था, इसको फिक्स कर दिया था। चार सेक्शन की बात कर रहा हूँ जी, बाकी तो ये सब फिक्स मिलेंगे आपको, आप एक बार देख लो, अगर थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे हुआ तो इसको सेट कर लेना। तो फिलहाल ओके है। तो TVF एनवेल्प में फिर आ जाएंगे जी हम। सेक्शन फोर में मैंने प्लस 30 कर दिया था, बाकी कर्व लेवल है जो TVF एनवेल्प वी कर्व, इसको भी आपने 2 कर देना है। तो वी सेंस को आपने प्लस 39 कर देना है फोर्थ सेक्शन में भी। तो TVF एनवेल्प टाइम KF इसको प्लस 10 कर देना है चारों सेक्शन में भी। TVF एनवेल्प टाइम 2 इसको 70 कर देना है चारों सेक्शन में। TVF टाइम 3 को भी आपने 70 कर देना है। तो TVF एनवेल्प लेवल ये 127 सभी का रखना है, लेवल 2 में आपने 70 सभी का रखना है, लेवल 3 में आपने 47 सभी का रखना है, तो लेवल 4 में आपने फिर 27 सभी का रख देना है। ठीक है जी। तो बहुत डीप एडिटिंग हो रही है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखते जाइए। सेक्शन 1 में आपने 117 रखना है, फिर 27-2 में, 27-3 में और 110, ये आपने चार नंबर सेक्शन पे रख देना है। तो ऐसे ही आपने वी कर्व में आपने 1 कर देना है सभी को। लेवल वी सेंस में आपने प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 32, तो ब्यास लेवल इसका सभी का प्लस 20 रखा जाएगा। ये सारी सेटिंग्स फ्रेंड मैंने खुद नहीं की हैं, ये पैच के बीच में ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। तो कुछ सेटिंग्स मैंने ऊपर नीचे थोड़ा बहुत की हैं, जो की हैं आपको नज़र भी आ रही हैं, जैसे प्लस 7 प्लस 10 प्लस 10 32 है। ठीक है जी। ये जो प्लस 20 है, ये पहले 3 सेक्शन में था, लेकिन चौथा सेक्शन जो हमने टिक किया है इसको भी आपने टिक करवाना है। तो ब्यास पोजिशन आपने C4 रख देना है, सभी को ब्यास डायरेक्शन में अपर कर देना है। तो फिलहाल ये खत्म है। तो अभी नेक्स्ट लेवल में है TVA एनवेल्प, तो आपने चौथा सेक्शन यहाँ भी टिक करवाना है जी। इसको सभी को TVA एनवेल्प टाइम KF को प्लस 20 कर दो। तो TVA एनवेल्प टाइम 2 को 70 70 70 और लास्ट वाले को आपने 10 रखना है, ये मैंने कम किया था थोड़ा सा, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंजो का टोन है, लास्ट में थोड़ा सा इसको ख़त्म होना होता है टोन को, तो इस वजह से इसको 10 रख दिया गया है। तो बाकियों का भी ऐसा ही है जी, हमने TVA एनवेल्प 3 में 80 80 80 10 रख दिया है। तो TVA टाइम 4 में हमने 13 13 13 फिर 10 रखा हुआ है। तो लेवल 1 में 127 सभी का रख दिया। तो लेवल 2 में हमने 88 88 88 127 रख दिया है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखते जाओ जी। तो अभी टोन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट में तो 127 आप सभी का रख दो, प्लाट 4 में भी रख दो। LFO 1 में जी हमने ये R&D ये सभी का चारों सेक्शन में रख दिया है। इसमें थोड़े से पैरामीटर पार्ट 1 का 50 कर दिया, बाकी वो का 65 कर दिया गया है। ये फेड मोड सभी का ऑन रखना है, की ट्रिगर भी सभी का ऑन है, पिच डेप्थ +1 +1 सभी का रख दो आप। ठीक है जी। LFO 2 ये वेव फॉर्म सभी का सिन रखना है आपने, रेट सभी का 90 कर दो जी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक तो न्यूमेरिकल फिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका सभी का 90 कर दो। बाकी कुछ सेटिंग नहीं है जी, सभी का ऑफ। हाँ, पिच डेप्थ में थोड़ा सा है, पिच डेप्थ में +1 +1 +1 कर दो सभी को। तो लेकिन लास्ट वाले को आपने नहीं करना है, फोर्थ सेक्शन को। TVF डेप्थ को आपने -10 सभी का रख दो जी। तो TVA डेप्थ +10 +10 सभी का +10 रखिए। ये जी यहाँ पे सिर्फ आपने कुछ
सेटिंग में इसको चेंज करना है, फोर्थ सेक्शन को बस आपने टिक करवा देना है। यहाँ पे भी आपने फोर्थ सेक्शन को टिक करवाना है, यहाँ पे भी, इसमें कुछ चेंज नहीं करना जी आपने, ठीक है जी। इसके बाद इसको पैच को आप जैज गिटार 2 यूज़र मेमोरी में जाके इसको खाली स्लॉट के ऊपर राइट कर दीजिए। ये हो गया जी राइट। तो अभी हम आ जाते हैं क्लेवी 3 में। इसमें हमने पैच एडिट में जाके कोई ख़ास चेंजेस नहीं है जी इसमें भी, तो यहाँ पे चेंजेस थोड़ा से है, 156 155 156 तो 157 174 157 ये इसका रखा गया है। तो आपको ध्यान देना है जी, यहाँ पहला सेक्शन है जो ऑफ़ किया गया है, इसको आपने टिक नहीं करना है। तो इसी तरह पिच में आ जाइए जी, आप पहला सेक्शन इसका टू से शुरू करेंगे जी। सेक्शन टू में प्लस 6 माइनस 4 कर दीजिए, तो बाकी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो किचन वेल्व में भी आपने ऐसे ही करना है, माइनस 6 फोर्थ सेक्शन को प्लस 4 कर दीजिए। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अगर ये सेटिंग्स ऑलरेडी आ रही हैं तो आप इसको वैसे ही रखिए। तो मैं इसलिए आपको रिमाइंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे भी ध्यान में नहीं है, ये मैंने कुछ तो खुद कर दिए थे बीच बीच में, लेकिन कुछ पीछे से सेटिंग इसके आ रही थी। तो पिच एंड वेल्व टाइम 40 टाइम 2 में टी है, फिर 40 है, तो पिच एंड वेल्व 1 में माइनस 30, फिर प्लस 63 प्लस 63 है, फिर इसमें भी प्लस 30 है लेवल 2 में, प्लस 63 प्लस 63 यस। तो यहाँ पे तो किया ही नहीं है जी मैंने लेवल 3 में पार्ट 1 का, ये 63 63 है। तो नेक्स्ट में हम जा जाएंगे TVF में 127। आई थिंक ये जो वेव फॉर्म की लाइन आ रही है यहाँ पे मेरी फिंगर है, ये 127 होने का कोई मीनिंग नहीं है जी, ये पार्ट 1 का जो सेक्शन है ये तकरीबन ये काम नहीं करेगा। आप 2 से ही शुरू करें जी, 25 25 25, फिर प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 सॉरी आगे, फिर 111 कर्व इसका ऑलरेडी सेट था प्लस जी। तो इसमें भी आप देखोगे तकरीबन प्लस 43 प्लस 43 है इसका, प्लस 20 है, प्लस 10 रखा गया है, 90 रखा गया है इसको टाइम 3 को, ये इसमें शायद चेंजेस नहीं थे, ये ऑलरेडी ही सेटिंग बनी हुई है। वो इसमें भी 127, इसमें फ्रेंड्स जरूर थोड़े से चेंजेस थे, ये आप चेक कर लेना एक बार, 115 120 127 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 ये कॉर्ड सेक्शन को आप नीच, तो टोन का पैन जो रखा गया है वो 30, ये मेरे को लग रहा है कंपनी मेड की तरफ से, इसे मेरे अपने ध्यान में नहीं भी आ रहा है, तो मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बोल के इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ध्यान में रहे। आप प्लीज़ ये चेक कर लीजिएगा स्क्रीन के साथ जो आपको शो हो रही है मेरे वीडियो में, मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जी, ये पीछे से कंपनी में चेंजेस हो रही हैं नहीं, तो बस ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपने इस पैच को भी क्लेवी 3 में वेट कर देना है।
अभी आपने परफॉर्मेंस में जाके इसको भी राइट कर देना है। तो मैं दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको थोड़ा बजा के।